बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने आज सिरसा के रोड़ी बाजार और भादरा चाय पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुनीता दुग्गल ने आम लोगों की नब्ज टटोली। मीडिया से बातचीत करते हुए दुग्गल ने कहा कि चाय पर चर्चा करने से लोगों के मूड के बारे में पता चलता है। सुनीता दुग्गल ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। देखिए, ऐसा है कि मैं जब भी सिरसा में होती हूँ तो यहाँ पे ये हमारे भाई कानू जी जो हैं, यहाँ पे इनकी चाय पीने के लिए मैं जरूर आती हूँ। तो ये क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए और आम आदमी के बीच में रहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी 11 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है। तो इस के बहाने, चाय के बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है, सबसे चर्चा हो जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा में अब की बार 5 की 5 जो विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अब की बार फिर से जो है वो हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर दुग्गल ने इनेलो कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनीता दुग्गल ने शायराना तरीके से इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा कि इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा इसलिए इनेलो दल का कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि इनेलो का कोई वजूद नहीं रह गया। वो कहते हैं ना कि इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो मुझे लगता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष वो भी जब नहीं रहे तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं रही तो मुझे लगता है कि अब कोई इंडियन नेशनल लोकदल नाम का कोई दल ही नहीं बचा, तो इसलिए कहीं कोई वजूद नहीं रह गया अब उनका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी जैसे छोटे छोटे दल का कोई वजूद नहीं है और जनता ने ऐसे दलों को नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति भी सबको स्पष्ट है। उन्होंने भी जिस तरह से जद्दोजहद कर और पिछले कुछ दिनों में ही अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्होंने निर्धारित किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत कुछ वो लोग कम बैक कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग विश्वास रख रहे हैं और इसलिए 10 की 10 लोकसभा में आपने देखा कि यहाँ पर जो है सिरसा में भी 70 साल में पहली बार कमल का फूल खिला, और उसी तरह से ही जो है जबरदस्त तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है अब की बार 75 पार, तो 75 पार करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने। देखिए, ये छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं इनका कहीं कोई वजूद नहीं है और जनता ने इनको नकार दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार